Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow with me. आज हम बात करेंगे DSSSB के बारे में डिटेल में कि DSSSB के अंदर आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, क्योंकि जो टीचिंग लाइन में है उनको सिर्फ यही पता होगा कि हमारे TGT, PGT, PRT की वैकेंसीज आती हैं, बट यू नो DSSSB के अंदर चार डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पहला डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज होती हैं, एंड साइड बाई साइड आपको स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज भी देखने को मिलती है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका हेल्थ डिपार्टमेंट. आप जाते हैं आप DSSSB के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट भी आता है, जिसमें आप लैब टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द रेडियोग्राफर एंड मेनी मोर वैकेंसीज आर देयर इन दिस फील्ड ऑल्सो. आफ्टर दैट हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आता है इसके अंदर, जिसमें आप इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. आप सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. थर्डली जो आपका फोर्थ आता है, आपका MCD का डिपार्टमेंट आता है. MCD के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपका जूनियर क्लर्क हो जाता है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर हो जाता है, एसेक्ट्रा एंड मेनी मोरा देयर. सो अगर आप DSSSB में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे आप चारों में से कोई भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नेशनैलिटी की. मतलब आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप कभी भी DSSSB में अप्लाई नहीं कर सकते. देन देयर इज अ एज लिमिट फॉर इट. इसकी आपकी एज लिमिट होती है. आई नो एज लिमिट जो होती है सारे डिपार्टमेंट्स में होती है, सिर्फ एक टीचिंग पोस्ट के अंदर TGT में ही हमें थोड़ा बहुत फीमेल के लिए रिलैक्सेशन देखने को मिलता है. एंड बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर आपको डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा. जैसे SC हो गया, ST हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, आपका PWD कैटेगरी हो गई, इन सब के लिए रिजर्व कैटेगरीज में सारे डिपार्टमेंट में रिलैक्सेशन होता है. बट फीमेल्स के लिए आपका टीचिंग की पोस्ट में, वो भी TGT की पोस्ट में ही आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है. एंड आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें, आप पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेक कर दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए, आपकी एज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए. जनरली ये 26-27 साल तक ऑलमोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, पर जनरल कैटेगरी तो ये 27 ईयर्स ही आपका डेडलाइन हो जाता है. आफ्टर दैट आपका रिटर्न एग्जाम तो होता ही है इसके अंदर, कहीं कहीं पे आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. बट आपका जो टीचिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली जो लिस्ट बनती है वो मेरिट के बेस पे ही बनती है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है. जैसे कि आपका KVS में इंटरव्यू का कॉलम भी है, इंटरव्यू का राउंड भी है, ठीक है. तो दीज आर द डिटेल्स फॉर द DSSSB 2023. तो बहुत ये सारी वैकेंसीज अब हमें देखने को मिलेगी बहुत जल्दी, इसी मंथ देखने को मिलेगी. यू नो दैट सारे के सारे धीरे धीरे करके ही आ रहे हैं. तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है BEd वर्सेस BTC, उसके 15-17 जुलाई तक, उसके बाद ही आपको ये हमारी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी. सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.